डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एक वृत्त का एक्सरसाइज है। जो वृत्त के इस एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चन को किया था। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि किसी वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत का मतलब क्या होता है? आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त बना लीजिए, और वृत्त के परिगत का मतलब होता है वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज है। और वृत्त के समांतर चतुर्भुज का मतलब हुआ कि ऐसे, ये हुआ आमने सामने की भुजा जो होती है वो समांतर होती है, यहाँ पे टच कर रहे हैं ऐसा मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा बनाना है ताकि ये आमने सामने की भुजा समांतर हो, इसका ये समांतर हो और ये समांतर ये, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और इसके नीचे वाले यानी कि जो इसका स्पर्श बिंदु बन रहा है, इसका स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस, और वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बनेगा। यहाँ पे बोल रहा था वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पे वृत्त के परिगत यानी कि बाहर टच करते हुए बनाएंगे तो वृत्त के परिगत होता है। यह एक समांतर चतुर्भुज है और हमको सिद्ध करना है कि यह क्या है, सम चतुर्भुज है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, तो दिया है कि वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये तो हमको दिया है कि जो वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है कि यह सम चतुर्भुज होता है। फिर लिखिएगा उसके नीचे, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए कैसे होगा प्रूफ? सम चतुर्भुज का गुण है कि चारों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ए बी को बी सी के बराबर, बी सी को सी डी के बराबर, सी डी को डी ए के बराबर दिखाना होगा। यानी कि जो चतुर्भुज की भुजा है ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे तभी हम कहेंगे कि ए बी सी डी क्या है, सम चतुर्भुज है। तो हमको ये दिखाना है कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बराबर दिखा देंगे तो ये ऑलरेडी सम चतुर्भुज हो जाएगा। अब लिखिएगा, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, कहाँ से भाई, तो ये हमें दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण है कि आमने सामने का जो भुजा है उस समांतर और बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा ए बी जो है सी डी के बराबर है, ठीक है, और बी सी जो है डी ए के बराबर है, चाहे ए डी बोलो चाहे डी ए बोलो, तो डी ए के बराबर है, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण एक, इसको मान लो समीकरण दो। उसके बाद दोस्त, हम लोग ये भी जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है,
बराबर होती है। तो यहां से लिखिएगा, हम जानते हैं प्रमेय 10.2 से कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, जब स्पर्श रेखा की लंबाई अगर समान होती है, इट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से डी बिंदु को लेकर कि डी आर जो है डीएस के बराबर है। डी आर बराबर डीएस किस बिंदु को लेकर? तो बिंदु डी से। ठीक है, डी वाले से स्पर्श रेखा कौन कौन सा? डी आर बराबर डी एस। उसी तरीके से सी बिंदु को देखिए, तो सी आर बराबर सी क्यू कौन सा बिंदु से? तो बिंदु सी से। ठीक है, उसी तरीके से बिंदु बी को देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं बी पी बराबर बी क्यू, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो बी पी बराबर बी क्यू कौन सा बिंदु से लिए हुए हैं हम इसको? बिंदु बी से। उसी तरीके से बिंदु ए से बोल सकते हैं कि ए पी का वैल्यू ए एस के बराबर होगा। तो ए पी बराबर ए एस कौन सा बिंदु? तो बिंदु ए से। तो फिर से चार गो हमको बराबर, पहले से दो गो तो मान लिए समीकरण, इसको मान लीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा समीकरण, छह गो समीकरण हम मान लिए। छह गो समीकरण मानने के बाद आपको क्या करना है कि इस दोनों समीकरण को, ठीक है, ये सॉरी 3, 4, 5, 6 को आप क्या कीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दूसरा को तो छोड़ दीजिए, पहला दूसरा का भी काम नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा को जोड़ने पर यहाँ लिखिएगा समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर। जब आप जोड़ते हैं समीकरण को, तो याद है ना कि हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो बाएं तरफ वाला को, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड, बाएं तरफ वाला को एक तरफ जोड़ते हैं और दाएं तरफ वाले को एक तरफ जोड़ते हैं। तो बाएं तरफ वाला तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में क्या है? डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं तरफ वाला जुट गया, फिर बराबर। अब दाएं वाला जोड़िए, तो क्या होगा? डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, ये और ये वैल्यू इक्वल है। तो जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सब इक्वल हो गया, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अब क्या करेंगे ना भाई, कि डी आर और सी आर को एक साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसा रखने का फायदा होगा, तो लेफ्ट में जो डी आर प्लस सी आर है, ये दोनों को एक साथ रखेंगे और बी पी और ए पी को एक साथ रखेंगे, बी पी प्लस ए पी और बराबर। इधर आप देख पा रहे होंगे तो डी एस और ए एस जोड़ में है, तो ये दोनों को एक साथ रखिए, डी एस प्लस ए एस और प्लस यहाँ पे किसको किसको रखेंगे? तो सी क्यू और बी क्यू को एक साथ रखिए, सी क्यू प्लस बी क्यू को एक साथ रखेंगे। अब देखिए डी आर और सी आर को जोड़िए, तो डी आर और सी आर को जोड़ने से हम इसको लिख सकते हैं डी सी प्लस बी पी और ए पी को जोड़िए चित्र से, तो बी पी और ए पी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, ए बी बराबर डी एस और ए एस को जोड़िए, तो डी एस और ए एस, तो ये हो जाएगा ए डी, यहाँ लिख दीजिए ए डी प्लस सी क्यू और बी क्यू को जोड़िए, तो सी क्यू और बी क्यू को जोड़ने से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ से कि
ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी जो है किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी जो है सी डी के इक्वल है। तो ए बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे सी डी रख सकते हैं, और बी सी जो है डी ए के इक्वल है। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से आप चलिएगा तो ए बी के जगह पे क्या है सी डी, और बी सी के जगह पे क्या है डी ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी के जगह पे तो डी ए है और ए बी के जगह पे सी डी है। तो हम ए बी के जगह पे रखते हैं सी डी को, ये तो खुद डी सी है, इसका मतलब सी डी बोल सकते हैं इसको, और प्लस इस ए बी के जगह पे भी रख देते हैं सी डी समीकरण 1 और 2 से। और यहाँ ए डी है तो ए डी को आप रख दीजिए, ए डी को ए डी छोड़ दिए, और बी सी के जगह पे क्या रखना है, बी सी के जगह पे रख सकते हैं डी ए या फिर ए डी। तो आपको यहाँ से मिला सी डी, सी डी कितना सी डी, 2 CD बराबर ए डी, ए डी कितना ए डी, 2 AD, 2 से 2 खत्म हो गया, इसलिए सी डी जो है बराबर हो गया ए डी के, ठीक है। अब देखिए सी डी जो है किसके बराबर हो गया, ए डी के। अब इसको मान लेना है समीकरण नंबर 7, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 7 देखिए, पहला और दूसरा से आमने सामने बराबर हो रहा था नहीं, लेकिन ये 7वां समीकरण क्या बता दिया कि सी डी जो है, सी डी जो है ए डी के बराबर है, यानी कि ये वाला भी इसके बराबर है। तो हम समीकरण 1, 2 और 7 को मिलाएंगे, समीकरण 1, 2 और 7 से आप देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि 1 और 2 से तो सामना सामने बराबर था, लेकिन 7वां समीकरण सामना सामने न करके उसके अगल बगल वाला बराबर कर दे रहा है। तो जब ये अगल बगल वाला बराबर हो जाएंगे तो इस तरीके से सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इस तरीके से अतः लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है, इस तरीके से इसको प्रूव्ड कर लेंगे। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, के परिगत यानी कि इसके बाहर एक त्रिभुज है ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखा BD और CD, D द्वारा BD पर विभाजित है, लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हैं, 12 और 13, तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक्स इसमें यूज करने पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हीरोन का फार्मूला पढ़े होंगे ना, तो उस हीरोन के फार्मूला से हम लोग यहाँ पे इसको निकालना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 12 को। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग है और इसको हम लोग करेंगे अगले दिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।